अगर आप अपने YT स्टूडियो को बार बार ओपन करके देखते हैं तो आपका चैनल डैड नहीं होता, लेकिन एक चीज जरूर डैड होता है और वो डैड होता है आपका माइंड। दोस्तों अगर आप अपने YT स्टूडियो को बार बार ओपन करके देखेंगे तो आपका माइंड डैड हो जाएगा और आपको यूट्यूब पर काम करने का मन नहीं करेगा। सपोज दैट आपने एक वीडियो अपलोड किया और आप उस वीडियो को एक घंटे के बाद चेक कर रहे हैं कि उस पर कितने व्यूज आ गए। अब आपने जैसे ही उस वीडियो को चेक किया, आपको पता चला कि आपके उस वीडियो पर 2 ही व्यूज आए हैं और उसमें से 1 व्यूज तो आपके घर के फ़ोन से ही है। तो ऐसे में आपने 3 घंटे के बाद दोबारा उस वीडियो को चेक किया, 1 दिन के बाद दोबारा चेक किया, उसके बाद दोबारा चेक किया, पर आपने देखा कि आपके वीडियोस की व्यूज तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका माइंड डेड हो जाता है, यानी कि आपका मनोबल टूट जाता है, आप अंदर से डीमोटिवेट हो जाते हैं, आपको यूट्यूब पर काम करने का मन नहीं करता। और ऐसे सिचुएशन में आप यूट्यूब को क्विट करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि यार बहुत मेहनत कर लिया, बहुत वीडियोस अपलोड कर लिया, पर वीडियो तो वायरल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो अगर आप अपने YT स्टूडियो को बार बार ओपन करके देखते हैं तो ऐसे में आपका चैनल डेड नहीं होता, बस आपका माइंड डेड हो जाता है। तो इसीलिए आप अपने YT स्टूडियो को बार बार ओपन करके ना देखें, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएंगे। दोस्तों यूट्यूब ने खुद बताया कि अगर आपने एक कैटेगरी चुना है तो दोस्तों आप उस कैटेगरी पर 365 दिनों तक रेगुलर काम करें, यानी कि पूरे 1 साल तक आप रेगुलर काम करें। अगर आप 365 दिनों तक पूरे 1 साल तक रेगुलर उसी कंटेंट पर काम करेंगे तो यूट्यूब का अपडेट, यूट्यूब आपसे खुद कहता है कि यूट्यूब आपके वीडियोस को धीरे धीरे करके प्रमोट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को यह समझने में टाइम लगता है कि आपका चैनल किस कैटेगरी पर बेस्ड है। तो अगर आपने कुछ दिनों तक यूट्यूब पर काम किया, कुछ दिनों तक आपने यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाया और उसके बाद आपने यूट्यूब को क्विट कर दिया या फिर आपने अपने कॉन्टेंट को ही बदल दिया, तो ऐसे सिचुएशन में आप चाहे कितनी भी अच्छी वीडियो क्यों ना अपलोड कर लो, पर आपके वीडियोस की वायरल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, क्योंकि यूट्यूब ने साफ साफ अपने अपडेट पे कह दिया है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम, यूट्यूब एक ऐप है जिसको कुछ इस तरह से प्रोग्रामिंग की गई है कि यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर कोई बंदा गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करता है तो यूट्यूब उसके स्क्रीन पर सिर्फ गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस ही उसे रिकमेंड करता है। अगर कोई बंदा टैग कैटेगरी का वीडियो देखता है तो यूट्यूब उसके स्क्रीन पर सिर्फ टैग कैटेगरी से रिलेटेड ही सारे वीडियोस भेजता है, यानी कि आप जिस कंटेंट को देखना पसंद करते हैं यूट्यूब आपके स्क्रीन पर आपको वही सारे कंटेंट रिकमेंड करता है ताकि आप उन वीडियोस को देखें। तो अगर आपने भी एक कंटेंट चुना है, एक कैटेगरी डिसाइड किया है, तो आपको पूरे 1 साल तक उसी कैटेगरी पर, उसी कंटेंट पर फोकस करके अच्छे से काम करनी चाहिए। अगर आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आ रहा है तो आपको अपने वीडियोस की क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए, आपने अपने वीडियोस पर क्या गलतियां की है उन गलतियों को सुधारनी चाहिए, ना कि आपको यूट्यूब का कॉन्टेंट बदल देनी चाहिए और ना ही आपको यूट्यूब से क्विट कर लेनी चाहिए। दरअसल अगर आप 365 दिनों तक लगातार एक ही कंटेंट पर फोकस करेंगे तो 1 साल में आप जितने भी वीडियोस बना पाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे जब YouTube का एल्गोरिथम ये समझ जाएगा कि आपका चैनल किस कैटेगरी पर बेस्ड है, तो YouTube आपके चैनल को उन लोगों को रिकमेंड करेगा जो लोग आपके कैटेगरी के कंटेंट को देखना पसंद करता है। तो YouTube का एल्गोरिथम कुछ इस तरह से काम करता है। YouTube ने साफ साफ कहा है कि YouTube को ये समझने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है कि आपका चैनल किस कैटेगरी से बेस्ड है। बहुत सारे लोग जब YouTube पर एक चैनल क्रिएट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद अपना कंटेंट बदल लेते हैं, जब उस कंटेंट पर भी वो फोकस नहीं कर पाते तो उसके कुछ टाइम बाद वो फिर से कंटेंट बदल लेते हैं। तो ऐसे करने से आपका चैनल डेड होता है। अगर आप बार बार YT स्टूडियो को ओपन करते हैं तो ऐसे में आपका चैनल डेड नहीं होता, बस ऐसे में सिर्फ आपका माइंड डेड होता है, क्योंकि आपका मनोबल अंदर से टूट जाता है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ उस तरह की और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, चलो फिर डाड़ा।